साधना कैसे आगे बढ़ती है, इसके लिए गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को योग वशिष्ठ में कथा सुना रहे हैं। योग वशिष्ठ वो शास्त्र है, पूरा पुरुषार्थ पर आधारित है। जब श्री राम अनेक तीर्थ यात्रा करके ऋषि मुनि से मिलने के बाद अयोध्या वापस लौटे तो कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन बाद में उनकी स्थिति बड़ी डामाडोर हो गई। मतलब ठीक से भोजन नहीं करना, किसी से बातें नहीं करना, एकांत में बैठे रहना, जबकि उनको युवराज बनना है, राजा बनना था। क्योंकि तीर्थों में होकर के और वहां जो सत्संग उनको प्राप्त हुआ उससे उनके मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि श्री राम जी अवतार हैं, उनको इनकी आवश्यकता नहीं है। वो उस साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करने के लिए एक यहां पर वो एक जीवात्मा का अभिनय कर रहे हैं, जिज्ञासु का अभिनय कर रहे हैं। तो वो कथा को हम उसमें लंबा नहीं ले जाते हुए, श्री राम जी को जब राजमहल में बुलाया गया तो गुरु वशिष्ठ ने उनको करीब 6-7 दिन तक लगातार ये आध्यात्मिक उपदेश दिए। और उसी क्रम में एक उपदेश उनको जो दिया गुरु वशिष्ठ ने, कहा कि श्री राम जी, मैंने एक बार एक बहुत बड़ा विचित्र रेगिस्तान देखा, कहीं कोई जल नहीं है, वृक्ष नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, वीरान है पूरी तरीके से। और अचानक मैंने वहां उस तपती हुई धूप में एक विचित्र पुरुष को देखा, स्ट्रेंज स्पिरिट। यहां पर जेंडर का मतलब नहीं, स्त्री और पुरुष का नहीं, तात्पर्य एक विचित्र पुरुष को देखा कि जिसके की अनेकों हाथ हैं, अनेकों सिर हैं, अनेकों पैर हैं, और वो विचित्र पुरुष अपने हजारों सिर से, आंख से वो रेगिस्तान में भटक रहा है। वो कभी किसी सिर से हंसता है तो कभी किसी मुख से रोता है, से कमला भी मुख से वो रोता है। कभी उसका मुख बड़ा विचारमग्न हो जाता है, कभी चिंतित हो जाता है, कभी क्रोधित हो जाता है, और उसके हाथों में अनेक प्रकार के मुद्गर हैं, जिन मुद्गरों में जैसे कि कील ठोक रखी होगी नुकेले कील, और अनेकों मुद्गरों से वो अपनी छाती को, अपने अपने अंगों को पीट रहा है और अनेकों हाथों से सहला रहा है। स्वयं अपने आप को कष्ट पहुंच जाता है, स्वयं अपने आप को दर्द हटाने का प्रयत्न कर रहा है, बचाने का प्रयत्न कर रहा है। और वो जब भटकता है तो कभी किसी अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है और वहां अनेक प्रकार की यातनाओं को, अथवा दुख को झेलते हुए अंधकार में रह करके बड़ी कठिनाई से जब बाहर निकलता है तो उसे कदली वृक्ष की छांव मिलती है। तो उस कदली वृक्ष की छांव में वो कुछ देर तो विश्राम करता है, फिर वहां उसको निकल आता है। और फिर वो कटंजी की झाड़ियां हैं, कटली झाड़ियां हैं, जैसे कीकर होता है रेगिस्तान में, तो कीकर की झाड़ियों में वो उलझ जाता है। कीकर के जो कांटे होते हैं बड़े, थोड़ा सा अगर चुप गया तो बहुत बहुत दर्द होता है उसमें। इस प्रकार से वो निरंतर कभी गड्ढे में, अंधेरे गड्ढे में, कभी कदली की छांव में, कभी कटली झाड़ियों में उलझता है और अपने हाथों से स्वयं को बचाता है और मुद्गरों से मारता है, अनेकों मुख से हंसता है, अनेक से रोता है, विचारमग्न होता है। तो ये क्रियाकलाप उसका निरंतर चल रहा है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, श्री राम जी मुझे उसकी मूर्खता पर बड़ा करुणा भराई, मुझे मैंने प्रयत्न किया कि मैं इसको इसके दुख से दूर करूंगा, तो मैंने उसे पकड़ना चाहा। प्रतीकात्मक है,
कथा जो है सब प्रतीकात्मक है। तो वो मेरी पकड़ से बाहर होने लग गया, जल्दी मेरी पकड़ में वो नहीं आया और अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। और जब मैंने उसे अब कस के पकड़ लिया तो वो मुझसे कहता है कि आप मेरे शत्रु हैं, मुझे आप मार रहे हो, मेरी हत्या कर रहे हो। जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि आप बड़े निर्दयी हो। लेकिन मैंने भी उसे कहते नहीं छोड़ा, मैंने पकड़ा उसे। और जैसे मैंने पकड़ा तो फिर वो रोने लग गया। लेकिन मेरे पकड़ने पर थोड़ा सा उसमें क्या हुआ, वो शांत होने लग गया, उसके अनेकों हाथ गिरने लग गए, सिर उसके अदृश्य होने लग गए। पैर भी उसके निकलने लगे, मतलब अलग होने लग गए, सब अंग उसके गलने लग गए धीरे धीरे। तो उसे पहले तो बड़ा असमंजस लगा, लेकिन उसे प्रतीत हुआ कि मुझे थोड़ी शांति प्रतीत हो रही है, शांति मुझे मिल रही है, आनंद आ रहा है उसे। तो वो उसने क्या किया, अब उसने कहा कि ठीक है पकड़ने दो, अच्छी बात है। और धीरे धीरे वो जो विचित्र पुरुष था वो अदृश्य हो गया, मतलब विलीन हो गया पूर्ण रूप से। और जैसे वो विलीन हुआ मैंने देखा कि और अनेकों उसी प्रकार के विचित्र पुरुष उस रेगिस्तान में भटक रहे हैं और वही क्रम चल रहा है, जो क्रम इसने किया वही क्रम और वो कर रहे हैं। तो मैंने एक एक करके पकड़ा, मैंने अगले को पकड़ना चाहा तो उसका भी रिएक्शन वही था और बाद में उसका भी हाल वही, वो विलीन हो गया। तो श्री राम जी को कहते हैं गुरुवश की श्री राम जी आज भी वो रेगिस्तान में है और उस रेगिस्तान में ऐसे अनंत विचित्र पुरुष भटक रहे हैं और क्रियाकलाप सबकी एक ही समान है। श्री राम जी ने कहा कि इस कथा का तात्पर्य क्या है मुझे बताइए आप, जिज्ञासु साधक थे। गुरुवशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम जीवात्मा ही ये विचित्र पुरुष है, या जिसे हम मन कहते हैं, सिर इसके जो है अनेकों वो उसके संकल्प हैं, जो भौतिकता की ओर जो संकल्प ले जा रहे हैं वो इसके संकल्प हैं। कोई काम का संकल्प है, क्रोध का संकल्प है, लोभ का संकल्प है, स्वर्ग का संकल्प है, अर्थात जो नश्वर पदार्थ हैं उन ओर अपने एक प्रकार से कि जैसे ये हवाई महल खड़ा कर रहा है अपने संकल्प से, ये तो सर हो गए उसे। हाथ और पैर उसके मन की विचित्र प्रकार की शंकाएं हैं और इनका विक्षेप है, विच्छिन्न है, विच्छिन्नता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड, वासनाओं के कारण जो मन में उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है और शंका उत्पन्न होती है कि क्या मैं वास्तव में सच्चित आनंद स्वरूप हूं। अधिकांश तो इसको जानने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे कि मेरा स्वरूप क्या है। उसे अपने पग पग पर अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं और वासनाएं जो विच्छिन्नता उत्पन्न होती रहती है निरंतर उसके वो हाथ और पैर अनंत। छाती क्या है उसकी, छाती को जिसको पीट रहा है वो विषय के प्रति आसक्ति है, क्योंकि जब विषय कौन हो गए, कोई संसार अर्थात कहें विषय हो गया आपका कि छोटी चीज से लेकर के स्वर्ग तक की कामना ये विषय हो गए, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, स्थान के रूप में हो या परिस्थिति के रूप में हो, इनके प्रति उसमें एक मन में आसक्ति रहती है। और वो आसक्ति क्योंकि वो मुद्गर से पीट रहा है अपनी छाती को, तो आसक्ति निरंतर उसे प्रताड़ित करते रहती है। अटैचमेंट निरंतर व्यक्ति को क्या करती रहती है, एक प्रकार से घाव तो करती रहती ना, मतलब उसे प्रताड़ित करते रहती है। पेट उसका जो है वो जब हजम कर जाता है सब कुछ, भूखा प्यासा रहता है, पेट का मतलब हो गया क्रेविंग्स, तृष्णा, तो कामना उत्पन्न होती है, डिजायर। जब कामना अपूर्त रहती है, वो कामना पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो कामना फिर बाद में तृष्णा में बदल जाती है, विषय से जो आसक्ति है उसे कामना बनती है, कामना फिर बाद में और भी घनघोर बनके
वो तृष्णा बन जाती है, वो तृष्णा उसका पेट का स्वरूप है, और अनेक जो उसके अंग हैं और वो अंग हैं मन की अनेक प्रकार की क्रियाकलाप। आप जप में बैठे रहते हो तो क्या होता है, आपका मन कहां भटकता है, अनेकों बस एक एक बार मन आपका गया तो गया, तो फिर गया बस अनेकों क्रियाकलापों में संलग्न हो जाता है। मुझे ये पूरा करना है, इसे हटाना है, इसे पाना है, इसे दूर करना है, अनेक प्रकार के वो इन क्रियाकलापों में ये उसके अंग हैं। कुआ जो है, जो अधेरे कुएं में वो गिर रहा है, वो नर्क का है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है अशुभ कर्म के कारण में, तो उसे नर्क का अनुभव होता है और अनेक प्रकार की यात्राएं झेलता है। और कदली वन है, वो कदली वन उसका एक प्रकार से स्वर्ग है। शुभ कर्म के माध्यम से सुख शरीर में वो स्वर्ग का वो अनुभव कर लेता है। और जो कटीली झाड़ियां हैं, कटंज की कटीली झाड़ियां हैं, जो जंगल है कटंज कटीली झाड़ियों का, वो है राग और द्वेष की झाड़ियां। राग में निर्दसता ही है ना व्यक्ति, प्रेम और राग में अंतर है। राग में जिसे आसक्ति भी कह सकते हैं, राग में वो केवल अपना अपना हित चाहता, अपने शरीर का हित, अपने मन का हित, या अपना हित चाहता है, मतलब भौतिक हित चाहता है, और दूसरे का अहित हो या ना हो, हित हो या ना हो, उसको उससे मतलब नहीं है। तो यहां भी उलझ जाता है। राग में जब उलझ जाता है तो उससे वो राग में जब उलझने के कारण में फिर और वो उसे पाने का प्रयत्न करता है, जब नहीं मिलता है तो वो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो राग और द्वेष एक प्रकार से उसकी ये कटीली झाड़ियां है, जंगल है। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ का आगमन होता है, गुरु वशिष्ठ का तात्पर्य हो गया, यदि अगर आप योग मार्ग का पालन करते हैं, योग मार्ग का पालन केवल आपने आसन कुछ आसन कर दिए तो दिस इज नॉट एक्चुअली योगा। योग का मतलब होता है यूनियन, मिलन। जैसे आसमान में नीला टुकड़ा है बादलों से वो घिरा हुआ है, तो उसका मिलन आकाश से होना है। आकाश अगर परमात्मा है तो नीला टुकड़ा जीवात्मा है। मिलन या दूसरी ओर कहें भ्रम को मिटाना तो योग है। अगर आप योग के गुरु के निर्देशन में सत्संग से स्वाध्याय से विचार से शुभ भावनाओं से जप का अभ्यास करना है, प्रार्थना का अभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करना है, तो आरंभ में क्या होता है कि अगर आप आरंभ में इस मार्ग को पकड़ना नहीं चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, भगना चाहते हैं, कभी कभी आपने अंदाज किया होगा, देखा होगा कि घर में अगर कोई व्यक्ति अगर सत्संग में जाता है या इस मार्ग को अगर पकड़ने का प्रयत्न करता है तो उसके जो जिस जो उस पर निर्भर है, मुख्य रूप से हम पत्नी कह सकते हैं, माँ बाप कह सकते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। क्या पढ़ा जो इनके चक्कर में से, तेरे पास बहुत सारे कार्य हैं संसार के अभी करने के लिए, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी, जब ये सब कार्य से तुम निवृत्त हो जाओगे तब जाके पकड़ना, लेकिन तभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखना है। इसे कहा गया, इससे प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाया गया है कि वो रोता है, छुड़वाता अपने आप को, लेकिन जैसे जैसे अगर वो अगर माना अगर अगर उसके में एक संकल्प शक्ति, एक दृढ़ संकल्प शक्ति है, शुभ संकल्प शक्ति है, तो उसे आनंद आता है, उसके अंग गलने लग जाते हैं, संकल्प दूर होने लग जाते हैं, अशुभ संकल्प आसक्ति दूर होने लग जाती है, राग द्वेष दूर होने लग जाता है, और जो तृष्णा है विषय के प्रति, विषयासक्ति है, ये दूर होने लग जाती है, और विभिन्न प्रकार के मन के अनियंत्रित कामनाएं वो दूर होने लग जाती है, शंका दूर होने लग जाती है, विक्षिप्त मन का दूर होने लग जाता है, तो स्वयं आप अनुभव करोगे कि ये तो मन ही मेरा विचित्र पुरुष था जो निरंतर रेगिस्तान में भटक रहा है,
और ये पूरा का पूरा संसार उसी रेगिस्तान के समान है जहाँ की अनेक जीवात्में यहाँ पर निरंतर भटक रही हैं।